के समय में जिस तरह से परिवहन माफिया सक्रिय है, नेशनल हाईवे पर सभी आरटीओ चेक पोस्ट पर, उससे लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। जो सड़क के माध्यम से राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं, सभी प्रकार के ट्रक चालक मालिक एक तरफ डीजल की मार, दूसरी तरफ परिवहन माफिया जो करते हैं रात दिन खुलेआम घूमकर अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। इस तरह की घटना को देखते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा ने सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट संगठन से मिलकर कार्य करने का अनुरोध किया कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने का आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है। संगठन सभी प्रदेश के परिवहन आयुक्त एवं प्रादेशिक अधिकारी और आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी निरीक्षक अधिकारी से भी निवेदन करता है कि आप भी स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन में अपनी अहम भूमिका अदा करने की कृपा करें। ऐसे आह्वान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रहलाद अग्रवाल ने की है। जिस तरह से भारत एक है, संविधान एक है, कानून व्यवस्था एक है, तो अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, ऐसी अग्रवाल की मांग है। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। हमारे सब साथियों को जो जो मेरे साथ जुड़े हैं जैक के साथ, उनका धन्यवाद करता हूँ और रामनवमी की शुभकामनाएँ उनको देता हूँ। और साथ में हमारे जो अच्छे नेता हैं उनको, जैसे यूपी में योगी जी ने बहुत अच्छा किया, मोदी जी के रहते उसमें, उसको देखते हुए शिवराज जी ने अभी एक नई चीज़ बोली है कि आप कहीं भी रिश्वत मत दीजिए, हम ऐसा कोशिश करके देखेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बेड शेप में है। और अगर MP में हमको शिवराज जी का साथ मिला तो हम इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी ट्रक इंडस्ट्री जिस तरह से गर्दिश पे जा रही है, परिवहन माफिया चरम सीमा पे पहुंच चुका है। हम उस परिवहन माफिया को खत्म करने के लिए हम सभी प्रकार से प्रादेशिक प्रशासनिक अधिकारी एवं RTO चेक पोस्ट प्रभारी एवं वरिष्ठ नागरिकों से, सांसद विधायक सभीओं से ये अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इस परिवहन माफिया को अगर खत्म नहीं करेंगे तो जो लाखों हजारों लोगों का जीवन यापन आज इस सड़क के माध्यम से चल रहा है, आने वाले दिनों में समाप्त होने की कगार पे है।